नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहली बार लाठीचार्ज हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कह रहे हैं ललन सिंह की पहली बार हुआ है। भाई साहब हम पूछ रहे हैं कि ललन सिंह के बेटा अगर एग्जाम देता तो अपना बेटा के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते? किसी विधायक का बेटा अगर पिटाया होता तो क्या ऐसे ही रहता जी? अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और काफ़ी दिनों से जो है शिक्षा को लेकर और समझिए स्वास्थ्य को लेकर अभी जो है मतलब त्रुटियां चल रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। बिभू जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो एग्ज़ाम जो बहुत चीज़ों का चल रहा है, जैसे सीटेट का चल रहा है या मतलब एसएससी जीडी का चल रहा है, जब बच्चे जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता है या कोई आइडेंटिटी उसको छूट जाता है, छूटता नहीं है समझे, जैसे कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है इसमें आइडेंटिटी के तौर पर, तो आधार कार्ड ले जा रहा है लेकिन जो पहले एक बड़ा जो पहले डाक के द्वारा आता था उसको मांग रहे हैं लोग, तो ये कहाँ तक सही है? जब वोट आता है तो मतलब कुछ भी देगा अगर वोट देना सही है, लेकिन एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए आपको बड़ा आइडेंटिटी चाहिए, छोटा सा काम नहीं चलेगा, मतलब ये कहाँ तक शिक्षक के लिए कहाँ तक सही है? वो तो बेरोजगार देखिए रिस्ट्रिक्शन जो भी लगाया जाता है वो तो अब जो मतलब कि गवर्नमेंट की बात करें या फिर जो भी एजुकेशन का जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत की जा रही है, बट इसके पीछे जितना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उस रिस्ट्रिक्शन के पीछे उतनी जो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए ड्यूटी वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शन तो लगाते हैं कि नहीं जूता नहीं ले जाना है, आप रिस्ट्रिक्शन नो डाउट कोई इशू नहीं है इसका, आप जितना निष्पक्ष और जितना क्लेरिफाई तरीके से आप बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करवाएं, बट यदि वही एग्ज़ाम सेंटर के अंदर में बच्चे मोबाइल नहीं ले जाते हैं, जूता नहीं ले जाते हैं और कई सारी चीज़ें नहीं ले जाते हैं, इवन कि आप हर चीज़ हटवा देते हो, लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स परेशान हैं, हाँ उस टाइम रिस्क किसका होगा? हाँ तो टोटली जिम्मेदार कौन है? ये आयोग है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? जो सिस्टम है, जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो स्कूल के जो शिक्षा मंत्री हैं, कॉलेज स्कूल एजुकेशन शिक्षा मंत्री, उनका जिम्मेदारी है, चाहे वो पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी है और अभी जो वर्तमान में एजुकेशन है उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं, बट आप किसी स्टूडेंट्स के साथ रिस्ट्रिक्शन के साथ कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस पर कोई कॉमेंट हम नहीं कर सकते, ये उनका अपना प्रोटोकॉल है जो कि होना चाहिए, ठीक है, बट इसकी आर में आप ट्रांसपेरेंसी रखिए ना, स्टूडेंट्स को आप जो फुलफिल करना चाहते हैं वो कर रहा है, बट इसकी आर में आप क्या कुछ कर रहे हैं, आपका सिस्टम ही कोलैप्स है, आप एक बार नहीं कई बार स्टूडेंट के साथ मतलब कि ऐसा अन्याय कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स का जीवन अब कोलैप्स हो रहा है, ये कोलैप्स किस इस कोलैप्स का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है, गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार है वो जिम्मेदार है, लगातार वही जिम्मेदारी के साथ उनकी उनके जो छवि है धूमिल होती जा रही है। अच्छा ये बताइए केशव भैया कि जो आइडेंटिटी हम लेके जाते हैं उसे वोट दे देते हैं और वही आइडेंटिटी यहाँ मांगा जाता है, लेकिन कुछ आइडेंटिटी उसमें एक जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हम लेके जाते हैं उसको लेकर एंटर नहीं किया जाता है, हालांकि आधार कार्ड उसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड लेके आइएगा तो एंटर किया जाएगा, वहाँ पर जाने कहते हैं कि छोटा वाला आधार कार्ड नहीं चाहिए बड़ा वाला आधार कार्ड, ये क्या बखेड़ा करता है लोग, सीधा सीधी बात समझिए बखेड़ा करता है लोग, जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है कि आप मतलब अंदर जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाइएगा तो आपको फलाना पेन से लिखना है चिलाना पेन से लिखना है, इसके अलावा आपको ये भी नियम बताया जाता है कि हाँ आपको घड़ी नहीं पहन के आना है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप आधार कार्ड लेके आइएगा, आप वोटर आईडी कार्ड मतलब लेके आइएगा, सब सारा जो लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग जो वृक्षक होता है इनविजिलेटर होते हैं ये धांधली करते हैं, कहीं ना कहीं धांधली करते हैं, कोई नेता का बेटा जाता है तो स्पेशल रूम में बैठा करके वो लोग एग्जाम दिलवा दिया जाता है, अभी बखेड़ा जिस तरह से आजकल कर रहे हैं लोग एग्जाम देने के लिए, आप इतना तामझाम कीजिए ठंडी के समय में जूता मोजा खोल करके आप एग्जाम देने जाइए, घड़ी खोल करके एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए तो पता चले पेपर लीक हो गया, बखेड़ा नाता का है भाई, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? बीएससीसी के छात्र साला पिटा रहे सड़कों पे अनाधून, लाठी बरसाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर और उसके बाद भी देख रहा है लोग मौन रहे लोग, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहली बार लाठीचार्ज हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कह रहे हैं ललन सिंह की पहली बार हुआ है, भाई साहब हम पूछ रहे हैं कि ललन सिंह के बेटा अगर एग्जाम देता तो अपना बेटा के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते? किसी विधायक का बेटा अगर पिटाया होता तो क्या ऐसे ही रहता जी? अगर हम देख रहे थे भाजपा वाले लोग, एक मजबूत विपक्ष का काम क्या होता है? मजबूत विपक्ष का काम यही होता है कि सत्ता में कोई भी गलती होता है उसको मुखरता से उठाए, लेकिन देख रहे हैं कि सुशील मोदी लड़का सा पिटाया 4 तारीख को और सुशील मोदी का जन्मदिन है 5 तारीख को, पटना के चारों तरफ बैनर लगा रहे हैं कि सुशील मोदी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम ये करेंगे 20 किलो का केक काटेंगे, और छात्र पिटा रहा है
ऐसे होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आज के समय में विपक्ष जिंदा है? विपक्ष जिंदा रहता तो काम नहीं करता जी। जहाँ सत्ता पक्ष का गलती हो चढ़ के बैठ जाए, यही ना काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है सेंटर के अंदर में कि धांधली हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, जो लीक कर रहा है उसका संरक्षण सरकार कर रही है, और जो आदमी अपना मांग को लेकर के सड़क पर आ रहा है आप उसके ऊपर लाठी चला दे रहे हैं। जहाँ तक सरकार चूज करने की बात आती है तो आखिर किसको वोट दे? दोनों आदमी के तो वही हाल है। देखो भाई, एक बात है, 1974 के बाद इमरजेंसी के बाद जितने भी नेताओं की उपज हुई वो अब आने वाले समय तक उनकी अब ख़त्म होने वाला है, एक नया पीढ़ी आने वाला है। 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा ना, युवा जब जाग जाएगा तो ये जो पुराना का नेता नहीं भाग जाएगा, ये क्लियर बात है। तो समझ लीजिए कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज जो लड़का आने वाले 10 साल बाद एक्सपेक्टेशन रखिए, जो पटना के गांधी मैदान और डाकबंगला चौराहे पर आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 10 साल बाद यही लड़का सदन के अंदर होगा, और हो सकता है कि ये भी घूसखोर हो जाए, ये भी चोर हो जाए। या अच्छा होगा तो बिहार का विकास होगा और बुरा होगा तो बिहार का विनाश होगा। बिल्कुल। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जैसे एग्जाम में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके बाद प्रोटेस्ट में किया जाता है, उसके बाद पेपर लीक करवा दे, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की तरफ ये लोग मतलब ज़्यादा मोड़ने का? देखिए, दिक्कत वो बात का नहीं है, दिक्कत ये बात का है नेता का बेटा उस एग्जाम को देने नहीं जाता है। हाँ। नेता अपना बेटा के लिए सीट पहले ही से कंफर्म कर लेता है कि किस विभाग में है। अच्छा, मत्स्य डिपार्टमेंट में है तो सीधे मत्स्य मंत्री को सीधे फोन करेगा, सुनिए ना साहब, हमारा एगो बेटा है, एगो सीट हमारा चाहिए। वो क्लियर हो जाता है, उसके उसके लिए बोलता है कि ठीक है, ऐसा ऐसा है, हो जाएगा।